हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साडा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ कढ़ी। तो आइए देखते हैं कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। 1 कटोरी से हम बनाएंगे पकौड़ी और 1 कटोरी से हम बनाएंगे कढ़ी। ये मैंने 400 ग्राम दही ले लिया, इसको मैंने फेंट लिया अच्छे से। 3 से 4 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, इससे मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगा। ये लिया है हरा धनिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है। इसको मैंने घर पे ही बनाया है और दोनों को पीस लिया अच्छे से। ये 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, छोटा छोटा कट कर लिया है। 3 से 4 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ली हैं। 2 चम्मच लिया है मैंने सौंफ, इनको दरदरा पीस लिया है। लाल मिर्च पाउडर, मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और ये मैंने लिया है हींग। तो आइए शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ। हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें जो मैंने एक कटोरी बेसन लिया था उसको डाल देते हैं। अब जो एक मीडियम साइज का प्याज कट किया था प्याज को भी डाल देते हैं। और ये कटोरी में जो मैंने धनिया लिया था इस धनिया को डाल देंगे। धनिया से ये पकौड़ियाँ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। इनको आपस में मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो हमने लिए थे। ये नमक लिया है, नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इनको अब आपस में मिला देंगे। अब इसको हम पानी से पकौड़ियों का बैटर जो है वो बना लेंगे। पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। बैटर हमें ना तो ज़्यादा ही गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। बैटर ऐसा बनाना है जिससे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बने। बैटर हमारा रेडी है। बैटर को 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। बैटर को हम इसलिए ढक रहे हैं जिससे क्या होगा कि बैटर 5 मिनट के बाद जो है थोड़ा फूल जाएगा और इससे पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। और आइए हम तब तक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं पकौड़ियों को तलने के लिए। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे पकौड़ियाँ तलने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब तेल डालते हैं। तेल हमने डाल दिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब आइए चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है नहीं। जो हमने बैटर बनाया था उसमें से थोड़ा सा हम तेल में डाल करके देखेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। और गैस का फ्लेम जो है पकौड़ी बनाते टाइम आप मीडियम कर दें। आइए पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इस टाइप से आप हाथ में बैटर को लेकर के और तेल में ऐसे डाल दें। गैस की फ्लेम फुल कर दें और गैस की फ्लेम फुल करके इनको सेकें। पकौड़ियों को बीच बीच में पलटते रहें। पलटने के लिए आप एक चम्मच का सहारा ले सकते हैं। पकौड़ियाँ हमारी सिक कर तैयार हैं। अब पकौड़ियों को जो है निकाल लेंगे एक थाली में अलग से। पकौड़ियाँ हमने निकाल ली हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है। आइए अब कढ़ी का बैटर बनाना शुरू करते हैं। और बैटर मैं उसी बर्तन में बना रहा हूँ जिसमें मैंने पकौड़ियों का बैटर बनाया था। ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो बैटर इसमें लगा हुआ बचा हुआ है वो वेस्ट ना हो।
तो जो कटोरी हमने बेसन लिया था इसको डाल देते हैं। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। पहले हम पानी से बैटर इसलिए बना रहे हैं ताकि लम्स ना पड़े, दही हम इसलिए बाद में डालेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी है, अब इसमें हम दही डाल देते हैं। दही को भी बैटर के साथ अच्छे से मिला दें, मिक्स कर दें अच्छे से। दही को हमने अच्छे से बैटर में मिला दिया है, अब इसमें पानी डालेंगे बैटर, क्योंकि हमारा बहुत ही गाढ़ा है अभी। बैटर हमारा रेडी है ये, और हमने जो दही ली थी वो 400 ग्राम ली थी, और 400 ग्राम दही में आप याद रखें 3 गिलास पानी डालना है आपको। लीजिए बैटर हमारा रेडी हो गया है, अब इसको साइड रख देते हैं और कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करें, तो तेल को हमने जो कढ़ाई में लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हमने जो मेथी दाना लिया था 1 चम्मच वो डालते हैं। अब इसमें जो हमने 3 से 4 लाल मिर्च ली थी साबुत, उनको तोड़ करके इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने हरी मिर्च ली थी, दोनों चीजें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब सबसे पहले गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देते हैं। लो गैस का फ्लेम मैंने इसलिए किया है ताकि जब मैं मसाले डालूंगा अभी वो मसाले ना जलें। अब हम इसमें मसाले डालते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं डालूंगा 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डालूंगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी मैंने इसलिए डाली है, ज़्यादा इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने पहले ही बैटर में हल्दी मिलाई हुई है। जो हमने मसाले डाले उनको आपस में मिला देंगे अच्छे से। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे जो बैटर हमने बनाया था, वो तो बैटर डाल देंगे कढ़ी का। बैटर को धीरे धीरे करके ही डालें, एकदम से ना डालें। इस बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें ताकि जो इसमें बैटर लगा हुआ है वो सारा धो करके इसमें डाल दें। बैटर हमने इसमें डाल दिया, अब गैस का फ्लेम जो है उसको फुल कर देंगे और कढ़ी को अब हमें लगातार, जब तक कढ़ी में उबाल ना आ जाए, इसको चलाते रहना है ताकि ये कढ़ी नीचे ना लग जाए। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि कढ़ी को आपको ऊपर उछालना नहीं है चमचे से, नहीं तो अगर उछालोगे तो कढ़ी फट जाएगी। और दोस्तों हो सके तो आप कढ़ी को जो है ना कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि कढ़ी जो है कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है, बहुत ज़्यादा। कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे कढ़ी में उबाल आ रहा है और इसको 2 मिनट और लगेंगे अच्छे से उबाल आने के लिए, तब तक इसको आप अच्छे से चलाते रहें। देखिए कढ़ी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सौंफ ली थी, वो सौंफ इसमें डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक आप डालें अपने स्वाद के अनुसार,
पहले भी हम इसमें नमक डाल चुके हैं। इसको अच्छे से मिला दें, सौंफ और नमक जो हमने डाली है उसको मिला दें अच्छे से। और मैंने इसमें कढ़ी में एक गिलास और पानी डाला था, क्योंकि कढ़ी थोड़ा गाढ़ी हो गई थी इसलिए मैंने इसमें एक गिलास पानी ऐड किया था। आप 4 गिलास पानी ऐड करें 400 ग्राम दही में। और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और बीच बीच में इसको चलाते रहें। कढ़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। और अभी इसको 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, और फ्लेम जो है गैस का आप वो मीडियम ही रखें, उसको हाई ना करें। कढ़ी को पकते हुए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कढ़ी हमारी रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। हींग और गरम मसाले को अच्छे से कढ़ी में मिला देंगे। और इसमें अब डालते हैं जो हमने पकौड़िया बनाकर तैयार की थी, पकौड़िया डाल देते हैं कढ़ी में। इनको अच्छे से मिला देते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, अब कढ़ी को 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो कढ़ी है हमारी पकौड़ों में अच्छी तरह से भर जाए। देखिए दोस्तों कढ़ी पे ये लाल लाल परत हमारी आ चुकी है, इसका मतलब है कढ़ी अब हमारी पक चुकी है। ये कढ़ी को देख पकते हुए देखने का तरीका है कि कढ़ी हमारी पकी है या नहीं। अब हमारी कढ़ी सर्व करने के लिए रेडी है। आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।